क्रिस्प करारे कच्चे केले के वेफर्स बनाएं अपने घर पर। हेलो फ्रेंड्स, भारतीय क्विजिन में आपका स्वागत है। मैं भारती पाटनी आज आपको बताऊंगी कच्चे केले से दो फ्लेवर के वेपर्स बनाना। बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनते हैं। इन्हें बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं और जब मर्जी हो तब खा सकते हैं। इन्हें व्रत में भी खाया जा सकता है। आइए देखते हैं इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इन्हें किस तरीके से बनाया जाता है। कच्चे केले के वेपर्स बनाने के लिए हम लेंगे ये कच्चे केले। इनको अच्छे से धो के दोनों तरफ से काट के छील कर और इनके स्लाइस बना लेंगे। और ले लेंगे तेल तलने के लिए, ले लेंगे सेंधा नमक और काली मिर्ची। आप सेंधा नमक की जगह सादा नमक भी ले सकते हैं, लेकिन फिर वो व्रत में नहीं खाए जा सकेंगे। और एक फ्लेवर और बनाएंगे, उसके लिए हम ले लेंगे हींग का बटा हुआ मसाला, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इसका लिंक। बनाना चालू करते हैं दोनों तरीके से केले के वेपर्स। सबसे पहले हम इस केले को दोनों साइड से इस तरीके से कट कर लेंगे अच्छे से, और जैसे आलू छीलते हैं उसी तरीके से इसको आसानी से छील लेंगे। केले को मैंने अच्छे से छील लिया है, अब इसके स्लाइसर से स्लाइस बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से इसकी ये स्लाइस बना लिए मैंने। अब इसको इसी तरीके से तल लेंगे। तेल गर्म होने रख दिया है मैंने, अब इसको तलेंगे। सारे स्लाइस बना लेंगे सारे केलों की। तेल हमारा गरम हो गया है, हमने इसको चेक करके देख लिया था। अब चिप्स को या तो एक एक करके डालें या आप इसको हाथ से इस तरीके से खोलते हुए बखेरते हुए डाल दें, जिससे अलग अलग होती हुई ये चिप्स हमारी सिके। ये देखिए पहले फुल फ्लेम पे करना है और फिर जब ये थोड़ा सिक जाए तब इसे मीडियम और सिंपल कर देना है क्रिस्प करने के लिए। हमने इसको उलट पुलट करते हुए अच्छे क्रिस्प होने तक सेक लिया है। अब इसको निकाल लेंगे तेल निकालते हुए इसका। निकाल लेंगे प्लेट में पेपर नैपकिन पे, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए इसका। इसी तरीके से सारे कर लेंगे, दूसरे बैच के भी डाल देंगे हम इसमें। ऐसे खोलते हुए और बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालने हैं, नहीं तो चिपक सकते हैं एक दूसरे पे, फिर वो क्रिस्प नहीं बनेंगे। और एक बार अच्छे से हिला दें इनको। जिससे कि अगर कोई चिपका हुआ भी रह जाए तो वो खुल जाएगा। 3-4 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाते हैं एक बार का। इस तरीके से सारे बनाकर तैयार कर लेंगे हम। ये हमारे केले के वेपर्स बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम क्रिस्प करारे बने हैं। ये देखिए अब मैं इनको, क्योंकि मुझे दो फ्लेवर के बनाने हैं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। इनको मैंने 2 अलग अलग बाउल्स में डाल लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा सेंधा नमक। हल्का सा बाउल को उलट पुलट कर लेंगे, जिससे कि सब तरफ अच्छे से मसाला मिल जाए। इसी तरीके से दूसरे वाले में डालेंगे
हींग का बटा हुआ मसाला और इसको भी उलट पुलट कर लेंगे और सब तरफ मसाला मिक्स कर देंगे। इनको ठंडा होने के बाद किसी एयरटाइट बर्तन में भर के रख देंगे। इनको ये देखिए मैंने कांच की एयरटाइट बर्नी में भरकर इसको रख दिए हैं। ढक्कन लगाकर आप इसको रख दीजिए, बिल्कुल भी नहीं सीमेंगे और एक महीने तक आप इसे आराम से चाय के साथ या वैसे ही खाते रहिए। जब इच्छा हो तब आप भी ज़रूर से बनाकर देखिए और बताएं अपने अनुभव कि आपको। तो फ्रेंड्स आप लोग भी बनाकर देखिए इस तरीके से कच्चे केले से वेपर्स और बताएं कि आपको ये कैसे लगे। अपने अनुभव मुझसे ज़रूर से शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर से शेयर कीजिए और आगे भी अगर मेरे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो राइट साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।